नमस्कार, मैं योगेंद्र कसाना। स्वतंत्रता दिवस के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारा देश वास्तव में आज़ाद हुआ है। 1947 के बाद आज़ादी तो मिली थी हमें, लेकिन पूर्णतः हमें आज़ादी नहीं मिल पाई थी। बहुत एक से एक बड़े लीडर आए। एक समय ऐसा भी था जब पूरी कांग्रेस पूरे देश पे राज करती थी, राज्य में भी, केंद्र में भी। एक नीचे प्रधान से लेकर और ऊपर पीएम तक कांग्रेस के ही लीडर होते थे। इस चीज़ के लिए मंशा दर्शाती है कि उनकी मंशा ही नहीं थी इस तरीके का कुछ करने की। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो ये काम हुआ है, ये वास्तव में हमारे लिए एक सौभाग्य और इतिहास ऐतिहासिक ये पल है, जिसमें हम अपने आप को वास्तव में आज आज़ादी के तौर पर देख रहे हैं। रक्षाबंधन और आज़ादी, ये दोनों पहली बार मेरी नॉलेज में, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पहली बार पढ़ रही है। और इसमें हम दोनों, बहन और भाई का प्यार तो हमेशा से रहता ही है। और मैं सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, ये दोनों दोहरी में आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये 15 अगस्त पे इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कि डबल खुशी के साथ ये त्यौहार मनाया जाए। धारा 370, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे देश में हुई है। कुछ ऐसे लीडर जो अपनी दुकान को बंद करना के जैसा समझ रहे हैं, तो वो लोग थोड़े तो परेशान होंगे ही, जाहिर सी बात है। बाकी अब हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक हमारे लिए पूरा का पूरा एक हिंदुस्तान बन गया है। पहले हमें अधूरापन लगता था, जैसे हम अमरनाथ यात्रा जाएं, वैष्णो देवी जाएं, या हम घूमने जाएं वहाँ पर, तो बहुत हमें दिक्कतें होती थी। लेकिन अब हमें गौरवान्वित से, वो हमारा देश का हिस्सा है, अब हम सब भारतीय हैं। पहले हम उनको कश्मीरी बोलते थे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित की बात। पार्टी की ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये हर्षो उल्लास भरा त्यौहार जो हमें 2 in 1 मिला है, रक्षाबंधन का और स्वतंत्रता दिवस का, इसको जी भर के जी लें। ये ऐसा ऐतिहासिक पल जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, कल्पना कल्पना नहीं कर सकते इसकी। बहुत वास्तव, दिल गदगद है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जय हिंद, जय भारत।